दो ऑप्शंस हैं, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है मिस आरती जासूस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंडिया के सारी फैकल्टी के बारे में सब कुछ पता है। वेंकट सर की क्लास के कॉन्सेप्ट और नीलम मैम के क्लास के एग्जाम्पल और दीपक सर की वीडियोस में प्रीवियस के क्वेश्चंस। इतनी फैकल्टी ढूंढ ली, अब तो एग्जाम क्लियर होगा ना? आई डोंट नो। आप सिर्फ सही प्रेप कीजिए और एक्सपर्ट फैकल्टी को आप तक लाने के लिए ग्रेडअप है ना? ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेक्शन डाउनलोड नाउ। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? Come on, जल्दी से लॉग इन कीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? हेलो सदाक्षी, शुभ शिमिता, मनप्रीत, सुनील, रश्मि, इरम, श्री श्री चक्रवर्ती, अच्छा रेणुका, जनार्दन, Tanya, everyone here on YouTube as well as on app, Sudarshan, Kapil, Barbie, what happened, all of you, come on, login fast, जल्दी से login कीजिए और एक बहुत ताबड़तोड़ हम session शुरू करने वाले हैं आज। क्या करने वाले हैं? ताबड़तोड़ session। I'm telling you, all of you will be liking this concept कि सर क्या कर दिया सर, हमारा सारा काम आराम से बिल्कुल refine हो चुका है, थोड़ा सा काम बाकी है इसमें, ठीक है। सो आई थिंक आई विल बी लीविंग दैट ऑन यू बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट एंडेड ऑफ कंपाइलिंग 20, 30, 35 अराउंड 35 के करीब मैंने पूरा का पूरा सारा ग्रोथ मॉडल एक साथ ले लिया है। आई हेलो अची कामरूल, हेलो नितेश, सुजाता, आशी, जॉयदीप, मैजिक इन स्टडी, पंकज सर, ओके हेलो पंकज सर, आकाश चंद्र चौंद्रा, ओके वेरी फैंटास्टिक टू सी ऑल ऑफ यू हेयर, भुवनेश्वर, विठल, जनार्दन, सुदर्शन, रजनी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कम ऑन लॉग इन फास्ट और जल्दी से लॉग इन कीजिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। राइट, सो कल बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर आज कल कोई क्लास नहीं है संडे को, सो संडे को मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। राइट, सो हफ्ते में एक दिन का तो ब्रेक बनता है ना, तो इसलिए कल मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। सोनिया क्या हुआ, आप मेरा टेलीग्राम ये रहा, देखिए सोनिया ये रहा मेरा टेलीग्राम ऊपर का, सर आपका टेलीग्राम लिंक फाइंड आउट नहीं हो पाता, ये रहा मेरा टेलीग्राम लिंक, आप सिर्फ डालिए amit_economines_gridup, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोनिया मैं देख रहा था आपके कमेंट्स बहुत सारे आए थे, मैं आपको आंसर भी दिया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप एक बार चेक कर लीजिए, ये है मेरा टेलीग्राम का लिंक ऊपर जो है, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन मी हियर। राइट, और जिद हमारी एक ही है कि भाई हमें कुछ भी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ JRF चाहिए। राइट, हमारी जिद सिर्फ एक ही है कि हमें JRF चाहिए, सभी को JRF चाहिए। सो ऐप में वी आर अराउंड 80-90, इन YouTube वी आर अराउंड लाइक 70 के करीब है, सो वी ऑल वॉन्ट, आई एम नॉट इवन स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इंग्लिश। So, yeah, basically, we are going to start with this. I'm still waiting for some more people. मैं अब देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अभी तो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन शुरू भी नहीं किया, मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बात करता हूँ, नोट जो है आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे बिकॉज ये वाले क्रैश कोर्स के नोट्स है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ आफ्टर द सेशन। राइट, Surbhi, you can contact this number. This is the number 9650052904. Okay, so shall we start? Are we all ready? Starting करें। हिंदी इंग्लिश छोड़ के थोड़ा सा स्टार्टिंग करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें। आकाश, I have already given that mock PDF on the Telegram channel. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड यू नो ऑन द यूट्यूब, सो ऑल ऑफ यू कैन जस्ट सी द डिस्क्रिप्शन, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यू कैन ऑल फाइंड, जब जैसे ये सेशन होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अभी भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो स्टूडेंट्स आज जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी है, और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट फॉर इकोनॉमिक्स में पहला वाला जो है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक कोर्स, ठीक है।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक कोर्स, तो जितने भी मैंने कोर्स, जितने भी मैंने सब अभी टॉपिक किए हैं लास्ट एक वीक में, बिकॉज एक स्टार्ट एक हफ्ता ही हुआ है, सो आई हैव पुट देम ऑल इन वन प्लेलिस्ट, यू कैन रेफर टू देम. यस लाइवा, व्हाट यू कैन डू इज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स कैश क्रोस पहला लिंक जो है राइट, वहां पे आप क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे वीडियोस वहां मिल जाएंगे. आई विल बी सेइंग दैट आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्लीज लेट्स पुट ऑफ दैट थिंग अगेन. हिंदी इंग्लिश थोड़ा साइड में करते हैं. जब JRF का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें कहीं पे भी ये लिखा नहीं होगा कि आपने इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक्स किया है या हिंदी मीडियम में किया है. लिसन टू मी, मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, इंग्लिश में भी बात करता हूँ. इट्स गिव मी इमेंस प्लेजर जब आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप हिंदी में समझाइए या इंग्लिश में समझाइए. मैं समझता हूँ आप लोग आप जो कहना चाहते हो मैं समझता हूँ, बट डोंट पुट इट अगेन एंड अगेन. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ, ठीक है. अगर मैंने कोई बात इंग्लिश में बोल दिया उसको मैं हिंदी में जरूर बोलूंगा, कोई हिंदी में बोल दिया तो इंग्लिश में जरूर बोलूंगा. यस, सो दिस इज द वीक सेकंड वेयर वी आर स्टार्टिंग विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट. सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं माइक्रो कर रहा था तब कह रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और अब जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करूंगा तो सब कुछ कोई बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स कीजिए या फिर माइक्रो कीजिए या मैक्रो कीजिए कोई और. एनीवे, सो दैट शोज कि अनलिमिटेड डिमांड एंड स्केयर्स रिसोर्सेस. थैंक यू सुनील, आई विल बी डूइंग दैट अगेन द सेम थिंग. यस, ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस. आज हम क्या सीखने वाले हैं, दिस इज बेसिकली अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ ग्रोथ थ्योरीज, ठीक है. सो दोज हु हैव जॉइंड मी न्यू, आई विल बी डेली 8 PM आई विल बी कमिंग टू ऑन यूट्यूब लाइव, यू कैन जॉइन मी. आई विल बी कमिंग अप विद ये जितने भी क्रैश कोर्स के जितने भी यूट्यूब जितने भी मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कल 8 बजे मैं हर रोज आता हूं, कल 8 बजे हैरड एंड डोमर मॉडल हम करेंगे, हैरड एंड डोमर मॉडल. एंड बिलीव मी, इस मॉडल को कल मेरे साथ 25 मिनट में हम लोग कर लेंगे और उसके बाद आपको कभी भी कोई भी टेंशन नहीं होगी इसमें. ये मॉडल जो है हैरड एंड डोमर का अलॉन्ग विथ सोलो के साथ आता है, कभी कभी उसके लिंकेजेस आते हैं, सो कोई टेंशन नहीं है. कल आप मुझे अपने 25 मिनट दीजिए, मैं आपको हैरड डोमर मॉडल पूरा समझा दूंगा, ठीक है. अच्छा, ये सैटरडे को मॉक्स है हमारा, बाय द वे संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, तो जितने भी डाउट्स आपके हैं प्लीज स्टार्ट पुटिंग इट ऑन द टेलीग्राम चैनल सो दैट मैं उन डाउट्स को ले सकूं, और मुझे उसका प्लीज आप सोर्स भी बता दीजिएगा. फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपने कहीं से लिया है तो उस क्वेश्चन का कौन सा कहां पे आया था पेपर में, कौन से पेपर में आया था, नाम क्या है पेपर का और ईयर क्या है, ताकि सभी का भी एक प्रैक्टिस हो जाए राइट. एंड दिस संडे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. सो ये कब है, 14th of March को, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक कोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए है, सभी का JRF हो, और ये आउट ऑफ लव फॉर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का जो हम द सब्जेक्ट, वी ऑल हैव द सेम रिलीजन राइट, हम सभी का धर्म एक है इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस इज वॉट जस्ट अ वेरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन. इन केस एनीबडी वॉन्ट्स टू सब्सक्राइब फॉर द पेड कोर्सेज ऑन ग्रेडअप, मैं एक क्लास ऐसा यूट्यूब में करता हूँ, बाकी तीन क्लासेज मैं सेशन में करता हूँ, ऐप पे करता हूँ. तो डू एनरोल एंड यू कैन स्क्रैच एंड सेव अप टू 50% ऑन ग्रेडअप सुपर. पेपर वन पेपर टू एक ही है राइट, एक ही सब्सक्रिप्शन है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन ऑल्सो चेंज द बैचेज मल्टीपल टाइम्स. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस राइट. सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा हो गया बातें हमारी, और नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू स्टार्ट विद दिस राइट. ओके, मैं थोड़े से कॉमेंट अभी नहीं पढ़ूंगा. सो ऑल दोज पीपल हु आर पुटिंग देयर कॉमेंट विद द एक्सपेक्टेशन कि मैं उनका पढ़ूंगा, देखिए या तो मैं कॉमेंट्स पढ़ूं या फिर मैं पढ़ाऊं, तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए. प्लीज डोंट पुट एनी कॉमेंट देयर, मैं आपके कॉमेंट्स जो है लास्ट के 5 मिनट में सारे ले लूंगा. अगर नहीं हो पाते प्लीज पुट देयर कॉमेंट इन द कॉम सेक्शन, मैं वहां पर भी आंसर देता हूँ, ठीक है. यस, इकोनॉमिक सर्वे 14th of February को है, जैसे मैंने 14th of March को है, जैसे मैं सभी को बोल दिया था, ठीक है. अब बाकी जो होगा पूजा वो मैं क्वेश्चन पेपर्स में करूंगा राइट. सो डोंट वरी, जितना मैंने करवाया उतना कर लीजिए, अभी मुझे ग्रोथ करने दीजिए, स्टार्ट करने दीजिए राइट. आई विल नॉट रिस्पॉन्ड एनी मोर ऑन द चैट सेक्शन. अच्छा, ये जो है बेसिकली ग्रोथ का भी स्टार्टिंग वैसे ही हुआ था जैसे इकोनॉमिक्स का हुआ था. So, सबसे पहले हमारे पास कौन थे, मर्केंटाइलिस्ट. मर्केंटाइलिस्ट मतलब, द वर्ड मर्केंटाइलिस्ट का मतलब मर्चेंट्स. मर्चेंट्स का मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मतलब मर्चेंट्स होते हैं. मर्चेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा पता नहीं है,
राइट, यू कैन थिंक ऑफ मर्चेंट्स, राइट, जो समुद्र से सामान इधर से उधर लेके जाते थे, राइट, तो वो थे मर्चेंट्स। धीरे धीरे करते करते इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, और जब पैसा आ गया तो तकरीबन 15th-18th century में ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग यूरोप में सेटल डाउन हो रहे थे। सेटल डाउन होते समय इन लोगों ने फ्यूडलिज्म फैलाया, फ्यूडलिज्म, जमींदारी सिस्टम, और लैंड से पैसा कमाना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते यही लोग जो है राजा के राइट साइड में बैठना शुरू हो गया, और इन्हीं को हम बाद में राइटिस्ट बोलते हैं। सो मर्चेंट्स, फ्यूडलिज्म, ये है आपके, जिन्होंने कहा था कि ट्रेड कैसे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट क्या नहीं करना, क्या इंपोर्ट करना है, तो ये सब इनका काम था। एनीवे, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑलरेडी हमने माइक्रो में किया, इसको एक बार दोबारा करेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड में, बिकॉज वहां पर इसका ज्यादा रोल आएगा। इसके बाद आए थे मर्केंटाइलिस्ट, गया, अभी तक मैंने ग्रोथ शुरू नहीं किया, अभी तक ग्रोथ की बात नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि अगर मैं ग्रोथ शुरू करूंगा सीधा क्लासिकल से तो थोड़ा सा अटपटा रहता है, बाद में कोई वीडियो देखेगा तो बोलेगा अरे इससे पहले का कहां है। तो ये है हमारे फ्रांसियोस क्विज़ने, इन्होंने ही, इन्हीं का काम था इनपुट आउटपुट एनालिसिस का, जिसपे बाद में लियोंटिफ, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स पे उन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स वगैरह जो भी था। सो आपको पता है कि सेक्टरल डिपेंडेंस दिखता है इसमें। ये है उस टेबल का नाम, टेबलू इकोनॉमी के, इसका मतलब है इकोनॉमिक्स का टेबल, 1759 क्विज़ने हैज डेवलप्ड दिस, और क्विज़ने वाज वन ऑफ द फिजोक्रेट, राइट। फिजोक्रेट्स कौन थे? मर्चेंट से ही, मर्केंटाइलिस्ट से बहुत सारे लोग फिजोक्रेट्स बने थे। ये लोग वो थे जो बुद्धिजीवी थे, कुछ फिजोक्रेट साइंटिस्ट बन गए, कुछ फिजोक्रेट फिजिकिस्ट बन चुके थे, कुछ फिजोक्रेट्स केमिस्ट बन चुके थे, और कुछ जो थे वो आ गए थे इकोनॉमिक्स में, राइट। सबसे बड़ा काम इनका क्या था? आज आप सबसे मैं पूछूंगा कि लेसेज फेयर किसकी पॉलिसी है, तो 99% लोग बोलेंगे क्लासिकल्स। लेसेज फेयर एक्चुअली फिजोक्रेसी का काम था, फिजोक्रेसी से ही क्लासिकल्स ने ये बहुत सारी चीजें उन्होंने उधार पे ली थी। जैसे टर्गेट, अनदर इकोनॉमिस्ट, टर्गेट ने बोला था कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसको हम लोग बाद में सीखते हैं मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न्स बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो आई थिंक अच्छा लगा होगा स्लाइड सबको, कैसा लगा? बाय द वे, जस्ट लेट मी आस्क यू ऑल ऑफ यू, बहुत मेहनत किया है मैंने, थोड़ा सा आप बताइए कैसा लगा आप लोग। अगर हाँ, समुद्री व्यापार, थैंक यू मनीषा, तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। आई मीन आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिले। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस, उसको बूर्जुआ भी कहते हैं। अकीफा, अकीफा कैसा लगा स्लाइड? अरे यूट्यूब में चुपचाप बैठे हैं सब, अच्छा था, अच्छा, चलिए। सो ये एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। एंड एडम स्मिथ, मैल्थस, मिल, ये सब लोग यहां पे हैं, ठीक है, चलिए, क्लियर है। माइक्रो में भी क्लियर किए थे आपने, हाँ, लेकिन माइक्रो वाला थोड़ा सा अलग था, फैंटास्टिक, थैंक यू। इसी बात में जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो यहां से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है हमारा, एडम स्मिथ शुरुआत होता है यहां से, एंड इट इज बेसिकली The name of the growth and development, इनका जो उन्होंने जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी, इसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आयरन लॉ ऑफ वेजेस, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। जैसे कि वेजेस अपने आप आयरन लॉ है, मतलब एक बार वेजेस सेट कर दिया तो वो चेंज होने के मतलब नहीं है, दैट इज बेसिकली उनका कहना था ये। द थ्योरी वॉज एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, राइट। This is Adam Smith, उनका कहना क्या था? Based on the laissez faire, he said that the state should not impose any restriction on the freedom of an individual. आज की डेट में अगर एक मोची है तो वो मोची अपने हिसाब से बना है, एक प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर अपने हिसाब से बना है, अपने इंटरेस्ट के लिए बना है, सोसाइटी के लिए नहीं बना। तो सोसाइटी को बल्कि कृतज्ञ होना चाहिए, सोसाइटी शुड बी यू नो शुड बी वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल फॉर अ प्रोफेसर बिकॉज ही इज अ प्रोफेसर। उसी तरह से कोई मोची अगर है तो वो मोची अपने इंटरेस्ट से बना है, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है, राइट। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेस्ट ऑन द पिलर्स ऑफ द सेविंग इन डिवीजन ऑफ लेबर, वाइड एक्सटेंट ऑफ मार्केट, सेविंग एंड कैपिटल एक्युमुलेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। इनका कहना था एडम स्मिथ का कि एक टाइम ऐसा आएगा, स्टेशनरिटी स्टेट आएगा, राइट। ये मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली इनको एक साथ करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन मुझे एक मैराथन करना पड़ेगा कम से कम 16 घंटे का,
ठीक है। तो ये स्टेशनरी स्टेट है, यहां पे सब कुछ सही चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। फिर फाइनली यहां पे हम जब पहुंचेंगे तो एक नेचुरल रिसोर्सेज का स्केयर्सिटी आ गया, मतलब बहुत ज्यादा अगर हमने रिन्यूएबल सोर्सेज यूज कर लिए या रिसोर्सेज कम यूज करने लग गए तो एक टाइम आएगा जिसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। ये है एडम स्मिथ का कहना, सिंपल इतना ही था। इसके बाद आते हैं मैल्थस 1820 में, राइट। इनका प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने जो प्रॉब्लम बताया था डेवलपमेंट का, अकॉर्डिंग टू मैल्थस इट लाइज इन द एक्सप्लेनिंग द ग्रॉस एक्चुअल नेशनल प्रोडक्ट शुड डिफर फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पावर ऑफ द प्रोड्यूसिंग रिच। यानी कि मैल्थस का कहना यह था कि जब अमीर अमीर इसलिए हो रहा है, गरीब गरीब इसलिए हो रहा है बिकॉज फूड प्रोडक्शन या आपका पॉपुलेशन गरीब का ज्यादा बढ़ रहा है, रिच का जो है कम बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों के पास जिनके पास पैसा है वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और वही ग्रोथ लेके आएंगे, राइट। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी बात यह है, इन तीनों के थ्योरी में एडम स्मिथ, राइट, और चाहे आपका मैल्थस, रिकार्डो, मिल, इन सबके केस में एक कॉमन चीज है, वो क्या, इन्होंने फार्मर्स को, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने फार्मर्स को ग्रोथ एजेंट बोला है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, और ये अटपटा सा क्वेश्चन है, ये अटपटा सा क्वेश्चन है कि मैल्थस, रिकार्डो एंड व्हाट यू से एडम स्मिथ, इन सबके केसेस में एक ही कॉमन चीज है कि इन्होंने ग्रोथ एजेंट फार्मर को माना है। अच्छा, सभी हंस रहे हैं, कार्ल मार्क्स कुछ बोल रहा है शायद, हाँ कार्ल मार्क्स यही कह रहा है कि इस बार पढ़ो ध्यान से और जेआरएफ क्रैक करो। देखिए ध्यान से, मैं तो सुन पा रहा हूं उनकी बातें, वो कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि पढ़ो और जेआरएफ पास करो, ठीक है। ओके, फिर मिल ने क्या कहा, तो मैं दोबारा बता देता हूं, ग्रोथ एजेंट्स जो है यहां पे, दे आर द ग्रोथ एजेंट्स एज फार्मर, बिकॉज जमीन एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें से प्रॉफिट निकलता है, जिसमें से द लैंड इज द ओनली एसेट दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्रॉफिट एंड सरप्लस। मिल, जेएस मिल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ही ट्रीटेड लैंड एंड लेबर एज द ओरिजिनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल एज अ स्टॉक प्रीवियसली एक्युमुलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द लेबर। सो जो भी लेबर आपने, जो भी पैसा लेबर को मिला होगा, सेविंग किया होगा, वो पैसा जब एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो वो वेल्थ है, वो वेल्थ जैसे ही बढ़ता है नेशन का इनकम बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ता है एंड लेबर फोर्स और ज्यादा बढ़ता है। तो दिस इज बेसिकली द एंटायर स्टोरी। मार्क्स का कहना यह था कि लेबर जो है वो सरप्लस वैल्यू बनाता है, लेबर का ही सरप्लस वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एक कैपिटलिस्ट के पास 10 रुपए है और वो 20 रुपए का रॉ मेटेरियल खरीदता है, राइट, और वो 50 रुपए का लेबर हायर करता है, तो कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ उसका, 80 रुपए, राइट। सो लेबर की वजह से वो एक ऐसा सामान बनाएगा जो कि 200 रुपए में बिकेगा। सो ये जो डिफरेंस है 50 रुपए का 200 रुपए होना, ये ना तो रॉ मेटेरियल कर सकती है ना कैपिटल कर सकती है, ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लेबर करता है, और तुम लेबर का ही वेजेस कम कर देते हो, तो दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर ग्रेजुअली इवेंचुअली। मैंने बहुत 3 वॉल्यूम ऑफ दास कैपिटल को मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में खत्म किया, तो समझ रहे हो कि मेरा क्या क्वालिटी होगा इसमें, कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा हो रहा है, इतना वेजेस कम हो गया कि फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा लेबर जो है वो रिवॉल्ट कर देगा, रिवॉल्ट करके कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देगा, और फिर कैपिटलिज्म विल बी सप्लीमेंटेड बाय और सब्सिक्वेंट बाय सोशलिज्म। ये कहानी है, और ये पूरी कहानी वही है जो World War I, World War II में हुई थी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की लड़ाई, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव शूमपीटर 1911, केन्स 1936, रोजेंटिन रोडान 1943, हैरड एंड डोमर 48 एंड 57। तो शूमपीटर का क्या था, शूमपीटर ने कहा था कि कैपिटलिस्ट जो है वो उस वजह से नहीं डूबेगी जिस वजह से कार्ल मार्क्स ने कहा है। द कार्ल मार्क्स हैज मेंशन दैट बिकॉज ऑफ सरप्लस लेबर, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, द लेबर विल ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट। बट शूमपीटर साहब कह रहे हैं कि इनोवेशन, क्योंकि लोग इनोवेशन करते हैं, नई नई चीज लेके आते हैं, और जब नई चीज बनाते हैं तो नया लेबर, नया कैपिटल, नया लोन उठाते हैं, एंड धीरे धीरे करते करते
जैसे आप देखिए आज के डेट में हर कोई एक हर किसी के पास एक ईयरपॉड्स है, ठीक है, ऐसे वाला वायरलेस ईयरपॉड्स है। तो पहले जब आया था ये बॉश का था, बहुत महंगा था, उसके बाद धीरे धीरे करते करते अब ये तो मतलब दिल्ली स्टेशन में भी मिल जाता है, राइट, 250 रुपए में मिल जाता है। ये मैंने देखा उस दिन, मुझे पता चला, मैं जब आ रहा था दिल्ली स्टेशन से, मैंने देखा 250 रुपए में मिल रहा है। तो बॉश का कहां था 27,000 रुपए का, 28,000 रुपए का, 250 रुपए मिल रहा है। ये क्यों है? क्योंकि इनोवेशन, इनोवेशन लीड्स टू द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, और कैपिटलिस्ट जो है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की वजह से ही वो डूबता है। ये इनका थ्योरी था, केन्स का थ्योरी था, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज फॉर आर ओन फॉर आर ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। इकोनॉमिक केन्स का ये कहना था कि इंडिविजुअल शुड, उनको कम सेविंग करना चाहिए, सेविंग कम करिए, आप कंजम्पशन ज्यादा कीजिए, ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब ज्यादा आउटपुट, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड, ज्यादा इनकम, दोबारा ज्यादा प्रॉफिट। सो जितना ज्यादा आप खर्चा करेंगे उतना अच्छा, बिकॉज केन्स ने क्या दिया था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, राइट। तो ये आप ध्यान रहेगा। रोजेंटेन रोडान, ही वॉज अ रशियन इकोनॉमिस्ट, राइट, और इनका काम ये था, इन्होंने कहा था कि आप ऐसा नहीं कि आप अपना इकोनॉमी खोलते ही, अपना इकोनॉमी को ओपन अप करते ही आप बोलिए कि आप जाके पैसा ले लीजिए आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या बाहर किसी कंट्री से या फॉरेन हेल्प लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंचते, अंटिल अनलेस यू रीच अ क्रिटिकल एफर्ट, दैट क्रिटिकल एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द लेवल। वो क्रिटिकल एफर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार जब पैसा लेके आते हैं तो उससे परपिचुअली, उससे सस्टेनेबल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा लाए और ऊपर इनकम गई और फिर नीचे गिर गई। आपको एक लेवल पे जाना पड़ेगा, उससे पहले आप पैसा नहीं मांग सकते। ये है रोजेंटेन रोडान का काम, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, एक क्रिटिकल के बाद, एक मिनिमम लेवल के बाद ही आप पैसा बिग पुश थ्योरी करवाइए, या आप चाहे तो इसको इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, दो इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। हैरड एंड डोमर, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो इनका यही काम था कि नाइफ एज कहां होता है, कि वो एक यूनिक मुहूर्त होती है जहां पे वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट, दो नाइफ एज होते हैं हैरड एंड डोमर के केस में, दो नाइफ एज होते हैं। ये वो यूनिक नाइफ एज है जहां पे सेविंग कैपिटल, कैपिटल आउटपुट रेशियो, सेविंग इनकम रेशियो, ये सब सेम होता है, और वो एकमात्र ऐसा सिचुएशन है, दैट इज द ओनली वन सिचुएशन, ओनली वन यूनिक नंबर। इफ यू कैन स्ट्राइक दैट बैलेंस, इट्स फाइन, यू आर इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यू आर इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू आर इन द नो स्टेडी इक्विलिब्रियम। बट अगर नहीं हुआ तो चाकू की धार पे चल रहे हैं आप, या तो लेफ्ट में थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर सीधा इन्फ्लेशन। So, ये है इनका काम 1948-57, राइट, ओके। देन यू हैव, और ये बहुत फेवरेट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। ये जो है थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले, अब देखिए आपको मैं क्या करवा रहा हूं, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सारे, सभी के सभी प्लीज फोकस करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हैरड एंड हिक्स टेक्निकल चेंजेस, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को लगता है, जिसको इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज बताइएगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर सही है, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ, तो हार्वे लेविंस्टीन तो वही है ना, चलूं आगे, शैल आई स्टार्ट? ओके, आई थिंक एक सेकंड, मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ किया, थैंक यू शोविक फॉर रिमाइंडिंग मी दैट, थैंक्स शोविक, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये मैंने एक्चुअली गलती से रोजेंटेन रोडान की जगह मैंने हार्वे लेविंस्टीन की बात कर दी है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये रोजेंटेन रोडान का कहना है कि आपको एक पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो दैट यू कैन यू नो बिग पुश थ्योरी, दैट इज बेसिकली बिग पुश थ्योरी, कि आप You can break out the shackles of the vicious circle of poverty. Poverty का जो shackle है, right? जिसमें unemployment and all those things, आप उससे निकल सकते हैं। ये actually थोड़ा सा theory, ये confusing है। Big push theory, नक्श, फिर Levinstein, ये सब एक जैसे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा confused हो गया। Minimum word मैंने देखा तो शायद मुझे लगा वही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसको ठीक कर लीजिएगा। Please, I'm really sorry for this.
रोडान का काम था कि बिग पुश थ्योरी आपको एक साथ मिनिमम इतना पैसा चाहिए ताकि यू कैन गो फॉर अ बैलेंस ग्रोथ, सारे सेक्टर में आप ग्रोथ कर सके. ओके, गेटिंग बैक टू दिस पॉइंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, हाँ एरोप्लेन की तरह, बिल्कुल 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 याद आ गया. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए यहां पे क्या है, ठीक है. सो आई एम यूजिंग ब्लैक कलर. देखिए इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है. हैरड है ये यहां पे और ये हिक्स है, ठीक है. हम लोग ग्रीन कलर से जो लिखा है उसकी बात नहीं करेंगे अभी, उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए. अब हैरड का केस क्या है कि कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो में, क्या है ये कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट में, ये क्या है शेयर, क्या है ये एस शेयर ऑफ फैक्टर, फैक्टर शेयर यानी कि आर के अपॉन डब्ल्यू एल. अब जब के बाय वाई कांस्टेंट है, आर के बाय डब्ल्यू एल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि या तो के बढ़ रहा है या तो एल कम हो रहा है. अगर के बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, के जब बढ़ेगा, कैपिटल जब बढ़ेगा, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि कैपिटल इंटेंसिव, या लेबर कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है लेबर सेविंग, तो ये हो गया लेबर सेविंग और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो हिक्स के केस में देखिए, हैरड के केस में ये बहुत सिंपल है, पता नहीं इतना ज्यादा हवा क्यों है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैंने तो इसको बहुत सिंपल तरीके से रखा हुआ है. हैरड ने कहा कॉन्स्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो में अगर आर के बाय डब्ल्यू एल ये बढ़ जाता है, यानी कब बढ़ेगा जब के बढ़ेगा या आर बढ़ेगा या एल कम होगा डब्ल्यू कम होगा. एल कब कम होगा, जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी या वेजेस कम हो जाएगी. या आर के कब बढ़ेगा, जब कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं आप या इंटरेस्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज आपका जो टेक्नोलॉजी है दैट इज लेबर सेविंग, लेबर को कम करता है कैपिटल को ज्यादा यूज करता है. सिमिलरली एट कॉन्स्टेंट के बाई वाई रेशियो अगर ये शेयर फैक्टर शेयर कम हो जाता है, आर के कम हो जाता है, तो कब कैसे कम होगा आर के, आर के अपॉन डब्ल्यू एल कैसे कम होगा, या तो ये कम हो रहा है ऊपर का न्यूमरेटर कम हो रहा है, या तो ये बढ़ रहा है लेबर बढ़ रहा है तो लेबर की डिमांड बढ़ रही है या वेजेस बढ़ रही है, यानी कि ये हो गया लेबर इंटेंसिव या कैपिटल सेविंग. अगर मान लीजिए कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है, तो मतलब जिस रेट से, हो सकता है कि जिस रेट से आर के बढ़ा हो उसी रेट से डब्ल्यू एल घटा हो, या जिस रेट से आर के घटा हो उसी रेट से डब्ल्यू एल घटा हो, यानी कि दिस इज अ न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस. ठीक है, हैरड का केस आपको समझ में आ गया, नहीं ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही होगी, आप देख लीजिए एक बार जी. अभी मैं ऑगुमेंटिंग वर्ड में नहीं आया हूं प्रियंका, प्लीज अभी ऑगुमेंटिंग वर्ड में मत आइए, अभी ऑगुमेंटिंग में मत आइए. मैंने सिंपल आपको जो समझाया आप उसी से मुझसे पूछिए, बिकॉज ऑगुमेंटिंग नीचे है. ऑगुमेंटिंग हिक्स ने नहीं कहा था ना हैरड ने कहा था, उन्होंने अपने काम में सिर्फ और सिर्फ लेबर सेविंग कैपिटल इंटेंसिव कहा था. ठीक है, अच्छा ये आप खुद देख लीजिएगा एक बार, प्लीज डोंट आस्क मी टू रिपीट, सिंपल सब कुछ रिकॉर्डिंग में है तो आप एक बार दोबारा इसको सुन लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट फॉर हिक्स, देखते हैं क्या होता है. हिक्स ने कहा कि कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, सो आर अपॉन डब्ल्यू यानी कि आर अपॉन डब्ल्यू अगर ये बढ़ता है, राइट, या तो दो चीजें होंगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी या तो सेम रहेगी, तो तीन चीजें हैं. तो पहला हमने देखा कि बढ़ी है, तो अगर ये बढ़ता है तो दैट मीन्स इट इज राइजिंग बिकॉज आर इज राइजिंग या डब्ल्यू इज फॉलिंग, दोनों में से कोई एक होगा. तो अगर ये है सो दिस इज अ केस ऑफ आर कब बढ़ेगा, आर बढ़ेगा और W कम हो रहा है, तो दिस इज अ केस ऑफ लेबर सेविंग और कैपिटल इंटेंसिव. मैंने यहां पे ऑगुमेंटिंग वर्ड यूज नहीं किया है, प्लीज या तो मुझे आप सीधा बताइए कि मुझे फिर ऑगुमेंटिंग वर्ड समझाने, तो फिर ये मैंने सिखाऊंगा तो आपको ऑगुमेंटिंग वर्ड भी समझ नहीं आएगा. फिर R अपॉन W ये बढ़ गया, W कम हो गया, तो लेबर सेविंग या कैपिटल इंटेंसिव. जब कांस्टेंट आर बाय एल के बाय एल रेशियो है और आर बाय डब्ल्यू कम हो गया, यानी कि आर या तो आर घट गया डब्ल्यू बढ़ गया, इस केस में डब्ल्यू कब बढ़ेगा, जब आप वेजेस ज्यादा दे रहे हो, यानी कि लेबर की डिमांड ज्यादा है, यानी कि ये लेबर इंटेंसिव है, राइट. और न्यूट्रल कब होगा, जब ये कॉन्स्टेंट होगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा. सो हिक्स का न्यूट्रल और हैरड का न्यूट्रल हमने देख लिया क्या है, राइट. अब आते हैं ऑगुमेंटिंग वर्ड पे. रॉबिन्सन ने कहा था कि हैरड का जो न्यूट्रलिटी है ये लेबर ऑगुमेंटिंग है, राइट, यानी कि लेबर को
लेबर को निकालता है, लेबर को ऑगमेंट करता है, लेबर को निकालता है। सोलो ने कहा हैरड न्यूट्रल जो है वो कैपिटल ऑगमेंटिंग है। सो यहां पे इससे हैरड और हिक्स का चेंज नहीं हो जाता। रॉबिन्सन का कैलकुलेशन अलग, सोलो का कैलकुलेशन अलग। उजवा ने बोला कि हिक्स का न्यूट्रलिटी इज इक्वली कैपिटल एंड लेबर ऑगमेंटिंग। आपको ऑगमेंटिंग के नाम पे सिर्फ ये तीन चीजें याद रखनी है, रॉबिन्सन ने क्या कहा, सोलो ने क्या कहा और उजवा ने क्या कहा। लेकिन पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो अंदर का है वो आपको लेबर सेविंग या कैपिटल इंटेंसिव से आप चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल ना कंफ्यूज होने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपको और कंफ्यूज होना है तो आप इसमें ऑगमेंटिंग वर्ड डाल के और खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। आपको ऑगमेंटिंग वर्ड से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हैरड का ऑगमेंटिंग क्या है वो रॉबिन्सन ने जो बोला वो लेबर ऑगमेंटिंग है, सोलो ने जो बोला वो हैरड का कैपिटल ऑगमेंटिंग है, उजवा ने बोला हिक्स न्यूट्रल जो है वो इक्वली लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग है। बाकी जब हमने हैरड और हिक्स को देखा वहां पे कोई टेंशन नहीं है, राइट। आई बिलीव ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत ध्यान से बताया, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना होगा। नाउ दे विल आस्क मी टू राइट टू रिपीट इट। देखिए जब मैं समझा रहा हूं आप मेरी बात को सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाए, बिकॉज मेरे पास वो तरीके होते हैं जो कि स्टूडेंट स्टूडेंट समझते हैं, राइट। तो मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह पर रखता हूं और देखता हूं कि कैसे चीजें चल रही हैं। है कोई जिसको एक बार रिपीट करना है तो बता दीजिए, आई विल रिपीट इट। इज देयर एनीवन हु वांट मी टू रिपीट इट ऑन द ऐप? प्रभावती, सुदर्शन, रजनी, नीतू, ईशा, नवनीत, शोविक, एनीबडी, चारू, अनु, निधि। ऑगमेंटिंग मीन्स ज्यादा होता है, ऑगमेंटिंग मीन्स ज्यादा होता है, ज्यादा कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, राइट। ऑगमेंटिंग मतलब उसको हटा देना, ठीक है जी, जी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है फेल्डमैन ग्रोथ थ्योरी 1927। इनकी फोटो नहीं मिली मुझे कहीं भी, मैंने बहुत ढूंढा, बट फेल्डमैन के नाम पे गोल्डमैन मिल रहे थे लेकिन फेल्डमैन नहीं मिले। लुइस मॉडल 1954, ये तो सिंपल आपको पता ही है। सोलो स्वान, यही है सोलो, हाँ यही है। अब तो दोस्त है ये हमारे, बिकॉज हमने तो सोलो मॉडल कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर लीजिए। मेरे मैंने यूट्यूब में किया है और सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आया था, सभी ने अच्छा किया उसमें, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये है हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट ऑनरेबल पीसी महानोबी, प्रशांत चंद्र महानोबीस। ये है आईएसआई के फाउंडर, राइट। और ये पहले इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने फेल्डमैन के साथ मिलके, फेल्डमैन जो थे रशियन इकोनॉमिस्ट थे ये, सो रशियन इकोनॉमिस्ट के साथ मिलके इन्होंने फोर सेक्टर मॉडल पे काम किया था, यानी कि मशीन मेकिंग मशीन। इनके मॉडल को हम कहते हैं मशीन मेकिंग मशीन। चार तरह की मशीन इन्होंने ढूंढी थी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, कंजम्पशन, अलग अलग तरीके से मशीन मेकिंग मशीन। और ये है आर्किटेक्चर जिन्होंने सेकेंड फाइव ईयर प्लान में काम किया था। सेकेंड फाइव ईयर प्लान पीसी महानोबी सर ने बनाया था, और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा के फाउंडर भी रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहां पर इकोनॉमिक्स किया जाता है। ये है हार्वे लेविंस्टीन जिन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया था रोजेंटेन रोडान के साथ। एनीवे थैंक यू सर, आप समझ में आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिटिकल एफर्ट, ठीक है। तो ये है क्रिटिकल एफर्ट, मिनिमम एक क्रिटिकल एफर्ट पे पहुंचने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। गुणाल मिडाल, एशियन ड्रामा 1954। प्रोफेसर ड्यूल हालामिंट, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। एक सेक्टर में, एक इकोनॉमी में दो तरह के ड्यूलिज्म होते हैं, फाइनेंशियल, एक बैकवर्ड एक आगे। इज अ जापानीज प्रोफेसर। कैल्डर का स्टाइलाइज ग्रोथ थ्योरी, इसमें पांच स्टाइलाइज ग्रोथ थ्योरी थे 1959 और 61 में, इन्होंने स्टाइलाइज थ्योरी की थी, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। इसमें भी क्वेश्चन तीन बार चार बार आ चुका है यूजीसी नेट में। देन कमिंग टू द रॉबिन्सन्स पार्ट, मिसेस रॉबिन्सन 1956, कैपिटल एक्युमुलेशन। इनके साथ जिन्होंने काम किया था वो थे केनेथ कुरिहरा। केनेथ कुरिहरा ने इनका पूरा काम किया था बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैंने ये कर लिया है तो आप एक बार उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। निकोलस कैल्डर बहुत जल्दी हम करने वाले हैं इसी हफ्ते में, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं थोड़ा सा। 1957, कैल्डर और पेसिनिटी के बीच में सिर्फ एक ही फर्क था। कैल्डर ने कहा कि वर्कर्स जो है वो सेविंग नहीं करते हैं, सारा का सारा सेविंग जो है कैपिटलिस्ट करता है। पेसिनिटी ने कहा कि अगर वर्कर्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपने सेविंग, इफ दे ट्रांसफर दिस टू द कैपिटलिस्ट एज फॉर्म ऑफ गिफ्ट, अगर वो अपना पैसा कैपिटलिस्ट को फॉरवर्ड करते हैं एज अ गिफ्ट, तो फिर
उसमें कोई दे विल नॉट बी सेविंग, उनका सारा का सारा जिल जो है, पैसा जो है बचाने का, वो सब खत्म हो गया। तो इसीलिए पेसिनिटी ने क्या किया, उसने वर्कर्स को बोला कि वर्कर्स भी सेव करेंगे, सो वर्कर्स विल सेव आउट ऑफ देयर वेजेस, और वो सेविंग करके वो क्या करेंगे, वो कैपिटलिस्ट को पैसा उधार देंगे, सो दे विल लेंड इट टू कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट बदले में इनको इंटरेस्ट रेट देगा। सो कैल्डर की थ्योरी में ये इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने कहा, कैल्डर ने कहा कि कैपिटलिस्ट जो है वो पूरा का पूरा सेविंग वही करते हैं, बट यहां पे वेसिनिटी ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो कैपिटलिस्ट फायदा लेके कहां से जाएगा। इसलिए ये इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वर्कर्स सेविंग करते हैं फैसिलिटी में, कैल्डर में वर्कर्स सेविंग नहीं करते हैं। फैसिलिटी केस में जो वर्कर्स सेविंग करते हैं उसको बदले में इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि कैपिटलिस्ट देता है, कैल्डर के केस में जब वर्कर सेव ही नहीं करते तो इंटरेस्ट रेट की बात ही नहीं आती। तो ये है कैल्डर एंड फैसिलिटी, ये है रियल बिजनेस साइकिल, जिनको हम बहुत बार रैशनल एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं, थॉमस सर्जेंट, जॉन मोट, देन यू हैव पॉल रोमर, राइट, जिन्होंने फिलिप्स कप का फेल होना समझाया था 1977 में। सो ये है रियल बिजनेस साइकिल, इनके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ओनली बिकॉज ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन होती है। ये है उज्वा मॉडल, ही इज फ्रॉम जापान अगेन, हिरोफुमी उज्वा 1961 में इन्होंने इसके काम किया था, और मिडर एंड क्रूज ने 1963 में काम किया था। ये भी एक टू सेक्टर मॉडल है, तो बहुत सारे ऐसे टू सेक्टर मॉडल हैं जिनमें हमने काम किया। उज्वा के मॉडल में एक अच्छी सी बात यह है कि इट इज ऑल अबाउट द इंटर टेम्परल कंजम्पशन, राइट, सो कंजम्पशन कितना कंजम्पशन में रखें, कितना हम आगे जाएं कि उसमें मतलब हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द कंजम्पशन। ये है रामसे मॉडल, कास्कूप मीन्स रामसे 1965, और इनपे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। इनके साथ एक और रिलेशनशिप है इनवर्स इलास्टिसिटी रूल का, ऑप्टिमम टैक्सेशन का, तो ये बहुत नामी गुनी बंदे हैं। सोलो का तो एक ही केस है, इनका तो तीन चार थ्योरी है। ये है कैलेकी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म। जैसे हमारे पास आबा लर्नर का केस है, आबा लर्नर जिन्होंने बोला मोनोपोली डिग्री, राइट, डिग्री ऑफ मोनोपोली, ठीक है, आबा लर्नर ने एक इंडेक्स निकाला था, वैसे ही कैलेकी ने क्या किया, इन्होंने मैक्रो डिग्री ऑफ मोनोपोली निकाली है, मैक्रो डिग्री ऑफ मोनोपोली किया है इन्होंने। सो आबा लर्नर से ही इन्होंने इंस्पायर करके कैलेकी हैज गिवन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कैलेकी ने एक और चीज बताई थी, वो है पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। उनका ये कहना था कि जो बिजनेस साइकिल है, बूम्स एंड डिप्रेशन, मतलब कभी अच्छा टाइम चल रहा है, कभी नीचे टाइम चल रहा है, ये सारा कुछ पॉलिटिक्स से डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं कहीं पे, किसी भी स्टेट में मान लीजिए इलेक्शन होने वाले हैं। सो इलेक्शन होने वाले हैं, अब ठीक इलेक्शन से पहले क्या होगा, कोई भी जो रूलिंग पार्टी है, राइट, वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा तुम्हारा आपका खर्चा करेगी, ठीक है, सोशल स्कीम, पेंशन, नौकरी वोकरी, बहुत जल्दी सब कुछ करने वाली है ये, ऐसे इलेक्शन के टाइम से पहले ऐसा होता है, राइट। उसके बाद जब ये हो गया, फिर क्या हुआ, इलेक्शन की वजह से क्या हुआ, उससे पहले जी इंक्रीजेस, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा आ गया, इनकम आ गया, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर, और जब तक इलेक्शन होता है तब तक लोगों को समझ में आता है कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अल्फा मल्टीप्लायर से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई से, और प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। और ठीक इलेक्शन जीतने के बाद, मान लीजिए यही पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत जाती है या कोई नई आती है, तो दोनों का सेम केस होगा, वो बोलेंगे देखो आपका जो पुराना पार्टी था उसने कितना बड़ा इन्फ्लेशन कर दिया, आज महंगाई इतनी पहुंच गई है, मतलब गरीबों की पीठ टूट चुकी है, एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, फिर आगे नीचे की तरफ, फिर इलेक्शन से पहले ऐसे चलेगा। सो ये है पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल, ये कैलेकी ने ही दिया था। इंटरेस्टिंग लगा आरबीसी के बारे में मैं बता चुका हूं, प्लीज डोंट पुट क्वेश्चन मार्क, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट इज द रैशनल एक्सपेक्टेशन, नियो क्लासिकल, जॉन मोट, स्टैगफ्लेशन, फेलियर ऑफ केन्शियन फिलिप्स कर्व, इतना कुछ बोला इसके बारे में, आप फिर भी क्वेश्चन मार्क देते हैं। मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, इनकेस आई
टेक देम. सो मुझे लगता है एक मैराथन सेशन करना पड़ेगा. दिस वॉज द नेम ऑफ द थ्योरी इज आप यू कैन सी दैट इन द क्रोनोलॉजी ऑफ द ग्रोथ थ्योरी. इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट. स्टिल आई एम गिविंग यू अ बेसिक बेसिक हिंट. राइट. आई हैव डन दैट इन विद यू इन द ऐप सेशन में तो किया है ना आपके साथ. नेक्स्ट इज फेइरानिस. सो इट इज फेइरानिस गुस्तावरानिस. बेसिकली आर्थर लुइस का मॉडल इन्होंने चेंज किया था. राइट. इन 1964 आर्थर लुइस का पहले आया था सरप्लस लेबर का. बॉयक द सोशल ड्यूलिज्म. बेसिकली इन ए सोसाइटी देर आर टू सोसाइटीज. वन इज वेस्टर्न वन इज ट्रेडिशनल. सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है. बेंजामिन हिजिन्स टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म. ये ऑल दीज आर टू सेक्टर मॉडल. सारे टू सेक्टर मॉडल मैंने एक साथ लिए हैं. तो हैरिसन टोडारो अगेन टू सेक्टर मॉडल 1970. सो यू थिंक आई थिंक आई एम डन विद दिस. जस्ट अ मिनट. यस यस 1970 तक कहीं मैंने अभी किया है इसमें. और इसका ये तो सेम स्लाइड आ गया वापस. दिस अ रिपीटेड स्लाइड. दिस अ रिपीटेड स्लाइड. आई थिंक आई फॉरगॉट टू इसको इरेज करना भूल गया मैं. एंड दैट्स इट. सो इसमें मोर और लेस मैंने सारे के सारे थ्योरीज कर लिए हैं. राइट. एंड नेसर डू यू थिंक दैट आई एम नॉट डन विथ यू. यू आर आस्किंग मी दैट. ठीक है. सो कुछ ज्यादा सीखे नया. अच्छा तो नहीं. आई थॉट ऑफ यू नो पुटिंग दिस यूट्यूब पे. देर इज नो सच वीडियो जहां पे नो एक क्रोनोलॉजी पूरा बता रखा हो. इसलिए मैंने ये उठाया. एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें समझ में आ जाएगा कि वॉट इज द सिलेबस. जैसे कुछ टाइम पहले देयर वाज सम स्टूडेंट हु वर आस्किंग मी सर उज्जवा मॉडल सिलेबस में है कि नहीं है. अनदर स्टूडेंट वाज आस्किंग मी सर रामसे मॉडल है कि नहीं है. बेंजामिन हिजिन्स है कि नहीं है. तो सब कुछ है जो भी मैंने इसमें कवर किया है. इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि नहीं है. मैंने अभी कवर नहीं कर पाया मैं इसमें. जैसे कि यू हैव द नर्क्स थ्योरी. राइट. वो मैं कवर नहीं कर पाया उसमें. मैं नहीं कर पाया ये चीज अभी. Fantastic. So, growth and development ka kya hai? Ab now, what do you want from me? Growth and development ka difference. Tomorrow I am going to do. Okay. Tomorrow ka sun lijiye. Mera kal ka plan kya hai? Tomorrow at 8 o'clock I will be doing Harrod-Domer model. 8 o'clock daily hota hai. Main kal aunga Harrod-Domer model karwane ke liye. Iske baad Calder model karwana hai. Wednesday ko. I have put this all on the Telegram channel. So please, those people, I cannot give it again and again. So jo bhi YouTube pe hai, please follow me on the Telegram channel. Maine wahan pe sari ki sari information aaj subah hi pass kiya hai. Right? So you can just refer to that particular channel and wahan pe sari information ja rahi hai. And isliye main baar baar sabhi se keh raha hu ki channel ko subscribe kijiye. Notification aapke paas apne aap aa jayega. Right? All clear? Okay. Thank you for saying that, Nesar. Any other doubt without just limited to the concept chronology ke hisab se, agar koi aur doubt hai to please puchega mujhe. Don't ask me ki sir abhi aap mujhe Ujjwa model samjhaiye. And sir aap September economics ka paper karwa sakte ho. Main to hamesha karwa raha hu. I have done that so many times. Aap app mein maine bahut bar kiya. Abhi jab main ek ek karke questions le raha hu, har bar question liya hai. बट द पॉइंट इज अभी सेप्टेंबर का क्वेश्चन करके फायदा नहीं है बिकॉज उसमें सभी को आंसर्स याद हो चुके हैं. राइट. अभी जो फायदा है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कब से शुरू करना है वो एक चीज देखनी है. नेक्स्ट उससे पहले मुझे सारा का सारा एक बार स्नैपशॉट करना है. पूरी जल्दी जल्दी से खत्म करना है. राइट. ओके. नीतीश बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ का मतलब होता है ओनली इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम. डेवलपमेंट का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स क्वालिटी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो सोशल एंड जस्टिस इक्विटी आल्सो. दिस इज व्हाट इट मींस. सर योर ऑल प्लेलिस्ट आर देयर एंड ऑन यूट्यूब. यस इट इज ऑल देयर. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए. डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा. यस हैरिडोमर कल डिटेल में पढ़ेंगे. रोस्टोक की स्टेज भी डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू. दिस इज नॉट अनअकेडमी. दिस इज ग्रेड अप. हिमांशु लगता है थोड़ा सा आप गलत हो गए. एक बार ग्रोथ खत्म हो जाए इस हफ्ते में तो उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड देयर आफ्टर पब्लिक इकोनॉमिक्स देयर आफ्टर. हर एक हफ्ते के हिसाब से वी विल बी पिकिंग अप अ सब्जेक्ट.
आप जो थ्योरीज हैं प्लीज लेट मी नो कि कौन से थ्योरीज आप चाहते हैं, सो दैट इन केस आई गेट टाइम आई विल कम अप एंड आई विल टेक इट टेक इन इन टर्म्स ऑफ दैट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। मैं ऐप पे सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, सारे सारे के सारे पूरा कंप्लीट कोर्स करवाता हूँ, बट यूट्यूब पे एक घंटे में मैं कितना करवाऊंगा आप खुद सोचिए, राइट। तो तब भी व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर कहीं नहीं मिलेगा। थैंक्स हिमांशु, तो यू हैव चेंज योर स्टैंड, वेरी गुड, थैंक यू। अभी तक अनअकैडमी वॉज गुड, नाउ इट इज गुड, सो ऑल इज गुड। जहां इकोनॉमिक्स जहां सीखने को मिले वहां से समझ लीजिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा। ये क्रोनोलॉजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का खत्म हो चुका है, नेक्स्ट मंडे वी विल टॉकिंग अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके एनीथिंग एल्स, आई अंडरस्टैंड। देखिए आप लोगों के बहुत सारे चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि और भी करना है, शिफा। सो जो सिलेबस में मेंशन है मॉडल्स और थ्योरी उनके अलावा भी और इन डेप्थ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सिलेबस में उज्वा मॉडल मेंशन नहीं है, राइट, बट उज्वा मॉडल से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सर इंटरनेशनल का टैरिफ एंड नॉन टैरिफ पढ़ाइएगा, अच्छा आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने डिफाइन क्या किया है, वो एक बार देखते हैं। राइट सुदर्शन, सर हाउ टू डू वन गुड चार्ट ऑन दिस क्रोनोलॉजिकल, आई थिंक आई हैव डन दिस, यू जस्ट कैन यू नो वर्क ऑन वर्क अपॉन दिस ओनली, इसी पे कर लीजिए कपिल, आपको अलग सा नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं सुदर्शन, सर बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है पेपर, देखिए अरे सुनो, अच्छा एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिए एक बार प्लीज, ऑल ऑफ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सुनिए 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 बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए आप लोगों को मैं बिल्कुल एकदम जूनियर समझ के बात कर रहा हूँ, एकदम दोस्त लेवल पे समझ के बात कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा कई कई लोगों को कुछ बुरा लगे तो प्लीज उसको बुरा मत मानना। देखिए हम लोग जब JRF पार करना चाहते हैं तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हम लोग जब क्लास लेंगे ना, कोई भी बच्चा मुझसे कुछ भी पूछ सकता है और उसका आंसर मेरे पास होना चाहिए, तब कोई सिलेबस वर्ड नहीं आता, राइट। जैसे आपके टीचर्स ने, एक दो टीचर, सभी नहीं करते ना, लेकिन एक दो टीचर ने तो आपको टाल दिया होगा, नहीं कल बात करेंगे परसों बात करेंगे, क्या आप टाल सकते हो? तो सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग, इग्नू का सिलेबस अलग, पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग, आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाएंगे सबका सिलेबस अलग अलग है ना, तो सिलेबस का मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, राइट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्वेश्चन कहां से आ जाएगा अभी, अच्छा एक बात बताइए, डॉन बुश का ओवर एक्सचेंज ओवर शूटिंग मॉडल क्या सिलेबस में लिखा है, आप बताइए डॉन बुश का ओवर शूटिंग मॉडल क्या उसमें लिखा हुआ है, नहीं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है, नहीं। सो कैसे आएगा, कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर, सब कुछ पढ़ते रहिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूं। थैंक यू त्रिशिता, कोमल बोलिए क्या क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन देख लीजिए कहां है आपका क्वेश्चन अपर्णा, कहां है अपर्णा का क्वेश्चन, सर हम आज लेट हो गए, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है सर, क्या Q इज इक्वल टू 104L07 पावर K05, ये क्या है, ये अपर्णा क्या लिखा है, ये Q इज इक्वल टू 101L रेस्ट टू द पावर, आप कहना चाहते हो 0.47, ठीक है, पावर K के ऊपर है 0.503, हाँ क्या हुआ इसमें बताइए अपर्णा, क्वेश्चन क्या है ये तो मैं समझ गया, नहीं क्वेश्चन समझ गया, आप आगे बताइए इस लेबर कॉप डगलस प्रोडक्शन में आप आगे क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप पे किसी का क्वेश्चन है, हाँ वो सिलेबस अलग है, ये सिलेबस अलग है, वहां पे आपको सिलेबस दिया जा रहा है ताकि आप आगे PhD कर सकें, ठीक है, यहाँ पे चीज है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जॉब से रिलेटेड है, ये जॉब से रिलेटेड है, वो कोर्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन रिलेटेड IC कर, व्हेन IC कैन नॉट कांट बी थिक, कांट बी थिक मतलब, सुनील समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, सीरियसली बता रहा हूं सुनील, ये थिक का मतलब क्या है,
और कोई क्वेश्चन यहाँ पे ऐप पे यूट्यूब पे? सर यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। अरे भाई ये तो पता नहीं मुझे, आप देख लीजिए एक बार, आप लोग तो मैसेज ज्यादा टेक्स भी हैं। सर हमें अगर टीचर बनना हो तो सब कुछ आना चाहिए, मुझे आपके जैसा टीचर बनना। अरे बाप रे मनीषा जी, मेरे जैसा मत बनिए, मेरे से आगे जाइए, मुझसे भी और आगे जाइए, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं। बहुत बढ़िया, और ये मन में इच्छा है तो आप बहुत आगे जाएंगे। पता मनीषा, आपने जो ये वर्ड बोला ना, ये सेंटेंस बोला, मैंने भी कभी अपने प्रोफेसर से यही बोला है कि सर मैं आपके स्टाइल को कॉपी करता हूं, आपके पढ़ाने का स्टाइल को कॉपी करता हूं। और सही बता रहा हूं, वो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उनकी उनकी शक्ल याद आती मुझे। सर यूनिट वाइज कराए तैयारी प्लीज। सर मैंने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहिए, मेरे क्वेश्चन देखा सर प्लीज। कहाँ है क्वेश्चन आपका? सर यूट्यूब पे प्रियंका विश्नोई। सर नेट के एग्जाम के लिए सेट के पुराने पेपर्स करे क्या सर? हाँ ये तो हमेशा बोलता हूं, एवरी टाइम डू दिस। देखिए जो लोग मेरे साथ ऐप पे हैं, ठीक है, उनको भी मैंने एक चीज बोली है, उनको भी मैं एक चीज बोलता हूं कि जो मेरे साथ ऐप में है, सबसे पहले अपना ग्रेडअप ऐप का नोट्स पढ़ लीजिए। वो इतना ज्यादा है कि आप उसको पढ़ने के बाद, मेरे रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद, आप मेरे हिसाब से 85% 90% आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। आपको उज्वा मॉडल, फेल्डमैन मॉडल, पीसी महानोबी मॉडल, रानिसफाई मॉडल, ऐसे और भी चीजें हैं, ठीक है, इन सब के लिए आपको कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए अभी तक मैंने सिलेबस, अभी तक मैंने क्लास खत्म नहीं किया। टेलीग्राम पे somebody is writing की पीडीएफ भेज दीजिए सर। एनीवे सो ये इनको पढ़िए पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेट, सेट, सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स मैं वही करवा रहा हूं आपको मॉक्स में। आप आशा, अच्छा कैसा लगा आप लोगों से मैं पूछता हूं, जो मॉक मैंने अभी करवाया था सैटरडे को, कैसा लगा सबको? हाउ वॉज द मॉक सेशन? ठीक है, मैं हूं कोमल, मैं सबके साथ ही हूं, आप मुझे बताइए मॉक्स कैसा था जो हमने सैटरडे को मॉक्स किया। आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे? नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे, दिस इज द मेनी टाइम्स आई हैव सेड दैट, नोट्स टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। यस कमरूल, यस कमरूल, आई पास आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, नाइस था, अच्छा था। मैं इसको लगता है अगली बार से ना मुझे पीडीएफ पे लिखना चाहिए, यू विल गेट द नोट्स वंस आई एम डन विथ दिस सेशन ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन मी देयर एंड आई विल गिव यू। थैंक यू त्रिशिता। हिंदी मीडियम अगेन द सेम थिंग, हिंदी मीडियम के लिए मैं 10-12 दिन आप सबसे इसे मांगा है मैंने। नाउ अगर आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो शायद मुझे हिंदी मीडियम कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज हर दिन मुझे हिंदी मीडियम के लिए बोलना पड़ता है। मैंने आपको खुद बोला, यानी कि अनाउंसमेंट खुद किया, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दिस कि मैं खुद लेके आऊंगा हिंदी सेशन लेके आऊंगा, बट आप प्लीज बार बार बोलेंगे ना तो वो एक चीज बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? अंडरस्टैंड, मुझे पता है आप पहली बार पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे मुझे रोज आंसर देना पड़ता है। पहले नेट करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, गेट, पीएचडी, जेआरएफ। आपने शायद मेरा पहला स्लाइड नहीं देखा, आप मेरा पहला स्लाइड देखिए एक बार, जस्ट अ मिनट। ये देखिए जी अनुश्री, जरूर बनेंगे आप, तो प्लीज मुझे बार बार मत पूछिए, मैं कर रहा हूं, हिंदी का कर रहे हैं ना हम लोग, करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। एनी अदर डाउट ऐप? सॉरी आई एम नॉट लुकिंग एट यू गाइज। सर थोड़ा सा आई डोंट नो शोविक व्हाट टू डू, कॉन्फिडेंस गेन किया सर मॉक के बाद। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं कि मॉक्स आप जो पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ लीजिए और अपनी मेहनत कीजिए साथ साथ, और एवरी डे 8 बजे मुझे ज्वाइन कीजिए। देखिए क्या करवा रहा हूं, देखिए अगर इतना मुझे, मैं एक सिंपल बात बताऊं आप सभी से, एक सिंपल समझिए आप सभी के सभी जो मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और जो मुझे ऐप पे भी देख रहे हैं। देखिए अगर अगर हम ज्यादातर बातें
ये करवाइए वो करवाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मेरा कमेंट पढ़िए, मेरा आंसर नहीं दिया, अगर ये करेंगे तो हम लोग अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। देखिए सभी तो सभी इकोनॉमिक्स वाले हैं ना, ऑल ऑफ यू आर इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ अस आर इकोनॉमिक्स, हमारा एक ही रिलीजन है। तो अगर हमें ज्यादा बातें करेंगे हम कि सर ये करना है, कौन सा क्या करना है, वो करना है, आप ये देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इसके बाद आगे चलिए ना। कमरुल मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है कि आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चन, सो यू कैन सी दैट। आप कुछ और बोलेंगे, नाबार्ड हो, मैं सब तो एक स्लाइड में नहीं रख सकता ना, नाबार्ड हो, आरबीआई हो, पीएचडी का एंट्रेंस पेपर हो, पब्लिक सर्विस का एग्जाम्स हो, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, कैन यू प्लीज एलैबोरेट कमरुल ऑन दैट। देखिए लिखा हुआ है ना, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग दैट अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है मैंने, ठीक। सो आप ये सोचिए कि हाउ कैन, देखिए अब आपको करना क्या है, कल हम लोग ग्रोथ एंड मॉडल करेंगे, हैरेडोमर ग्रोथ मॉडल करेंगे, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के आइए, जितने भी क्वेश्चंस हैं हैरेडोमर मॉडल के आप उसको करिए, जो भी डाउट है आप मेरे, आपके पास तो मेरा लिंक है ना ये वाला, इस पर क्वेश्चन डाल दीजिए कि सर ये वाला जो है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, आप डाल दीजिए, या टेलीग्राम में डाल दीजिए सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, मुझे करवाने दीजिए, मेरे साथ चलिए, राइट। मेरे एक चीज प्लान्ड है, ठीक है, वो दिमाग में मेरे है, अगर मैं सबके हिसाब से चलूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, बट मैं सबका भला ही करूंगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। थैंक यू, डू ज्वाइन मी टुमारो एट 8 o'clock ऑन हैरेडोमर मॉडल, हैरेडोमर मॉडल के लिए हम कल करेंगे, और जो भी आपको पढ़ना है हैरेडोमर मॉडल से आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन नहीं आ रहे, और इसके बाद फिर मेरा वाला लेक्चर अटेंड कीजिए, ठीक है। इस नोट्स को मैं 15-20 मिनट के बाद ही भेजूंगा, लेट मी टेक सम ब्रेक एंड देन आई विल सेंड इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, एंड थैंक यू विवेक, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर आप ये करवाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, कल मिलते हैं 8 बजे हैरेड एंड डोमर मॉडल के साथ, थैंक यू।